नमस्ते फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना क्लास बीच में ही खत्म हो जाएगी, तो अभी देखो यहाँ पर हमने खत्म करी थी इस क्लास को, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये था पूरा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ड्यू टू लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का लॉ क्या था? ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस डॉट 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 ई एन वेक्टर, रखें यहाँ पे वैल्यू के क्यू वन अपॉन आर वन वेक्टर का स्क्वायर आर वन कैप, के क्यू टू आर टू वेक्टर का स्क्वायर आर टू कैप, प्लस के क्यू थ्री आर थ्री वेक्टर स्क्वायर आर थ्री कैप, प्लस डॉट 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 के क्यू एन अपॉन आर एन वेक्टर स्क्वायर आर एन कैप। अब देखो यहाँ भी हम वही चीज करेंगे, इसके अंदर क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है तो के को बाहर निकाला, क्यू वन अपॉन आर वन का स्क्वायर आर वन कैप, प्लस क्यू टू अपॉन आर टू वेक्टर का स्क्वायर आर टू कैप, क्यू थ्री अपॉन आर थ्री वेक्टर का स्क्वायर आर थ्री कैप, प्लस डॉट 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 क्यू एन अपॉन आर एन वेक्टर का स्क्वायर आर एन कैप। अब इसको अपन समेशन की फॉर्म में लिखेंगे। समेशन की फॉर्म में क्या आएगा? I is equal to 1 से n, मैंने आपको लिखना बताया था ना, जो चीज चेंज हो रही है सिर्फ उसी में चेंज कर दो और I लिख दो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डेरिवेशन, प्लीज डू कंप्लीट इट। कंप्लीट कीजिए, इसको कंप्लीट करने के बाद एग्जांपल नंबर 1.16 आप लोगों को पढ़ना है, 1.14 और 1.15 आपको दोनों ही छोड़ने हैं, 1.16 हमको करना है, तो प्लीज उसको पढ़ लेना। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.16। क्या कह रहा है 1.16? ऑन अ चार्ज क्यू कितना दिया हुआ है 5×10⁻⁴ कूलम, फोर्स आपको दे रखा है 2.25 न्यूटन, इलेक्ट्रिसिटी एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पूछ रहा है, तो आप तो जानते हैं क्या लिखोगे, वी नो दैट ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ कितना है 2.25, क्यू कितना है 5×10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। सॉल्व कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1.17 करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा लेकिन इजी है, हो जाएगा। ध्यान रखना इसके तीन पार्ट है 1.17 के, ठीक है, करते हैं हम धीरे धीरे। इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ, ये आपको गिवन है,
located at मतलब कि इस टाइप से है कोई चीज, ठीक है, यहाँ पर 0.1 मीटर, ये माइनस पॉइंट, माइनस के 0.1 मीटर, ये ए है ये बी है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है ओरिजिन, सेकेंड है एक्स इज इक्वल टू 0.2 मीटर, वाई इज इक्वल टू 0। सी गिवन है एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले के लिए बात करते हैं एट ओरिजिन। तब आप जानते हैं ये दूरी है इसकी 0.1 माइनस में, इसकी दूरी है 0.1 प्लस में, ठीक है। इसके द्वारा जो इस पर फील्ड लगेगा E1, इसके द्वारा इस पर लगेगा वो होगा E2। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो E इज इक्वल टू क्या होगा? E1 माइनस E2, बिकॉज डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसलिए बीच में माइनस का निशान हमें लगाना पड़ेगा। Q कितना है? 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। इधर नेगेटिव डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K³ अपॉन R² R कितनी है? 0.1 का स्क्वायर माइनस K³, इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी? 0.1 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा? 0। उतार लीजिए, पहला आ गया इसमें आंसर 0। बात करते हैं पॉइंट बी। एक्स इज इक्वल टू 0.2 मीटर, मतलब एक्स का यहां पर होगा, पॉइंट ये पी पॉइंट है। तो देखो बी के द्वारा पी पर E1, फिर ए के द्वारा पी पर E2। E1 क्या होगा यहाँ पर? K³ अपॉन BP का स्क्वायर, देखो बीपी का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर E2 निकालते हैं, KQ अपॉन AP का स्क्वायर। अब देखो बीपी कितनी है? 0.2, तो ये पूरी है और ये 0.1, तो इसमें से इसको घटा दो, 0.2 माइनस 0.1 कितना होगा? 0.1 का स्क्वायर KQ अपॉन 0.01। ए से पी 0.1 तो ये है, माइनस को छोड़ो, माइनस तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, 0.1 ये है, 0.2 ये है, 0.3 हो गई टोटल 0.09। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, K की वैल्यू पता है, क्योंकि आपको पता है, तो बेटा इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। उतारिए,
सेकंड डायग्राम ही चेंज होगा थोड़ा सा। सी पॉइंट क्या बोल रहा है, ए बी ये ओरिजिन, ये कितना था माइनस के 0.10, ये कितना था 0.10। एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0.1, यहां पर बनेगा ये, ठीक है। तो इसके द्वारा इसमें फील्ड लगेगा, इसके द्वारा लगेगा, ओके इस टाइप से होगा। तो ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है एपी। तो पाइथागोरस थ्योरम से एपी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 2 × 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, एपी का स्क्वायर रहने दो। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, आप जानते हो E1 प्लस E2 होता है, लेकिन जब ये एंगल की बात कर दे, किसकी बात कर दे, एंगल की बात कर दे, तो एंगल आपको हमेशा 90 डिग्री का एंगल लेना है। कितने का एंगल लेना है, 90 का लेना है, और 90 का हाफ हम कर देंगे 45। तो इस कंडीशन में जो थीटा होगा वो 45 होगा, इसको आप याद ही रखना, ठीक है। तो ये होगा E1 साइन 45, क्योंकि इधर बनेगा कॉस का कंपोनेंट, इधर भी कॉस का कंपोनेंट बनेगा, ऊपर जो बनेंगे वो साइन के कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले जो कंपोनेंट्स को हम लेते हैं, ध्यान रहे E1 बराबर E2 बराबर E0, तो E बराबर कितना हो गया 2E0 साइन 45, 2 × E0 क्या होगा KQ। अब डिस्टेंस देखो, या तो ए पॉइंट से ले लो या बी पॉइंट से ले लो, ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। एपी का स्क्वायर साइन 45 1/√2, उतार लीजिए इसको, खुद सॉल्व करना है आपको। इसकी क्वालिटी को बढ़ा लेना बेटा, आपको साफ साफ चीजें दिखाई देने लग जाएंगी। अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से एक क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, समझाइए, लिखिए इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो आपको लिखवाई जा चुकी है, ठीक है। द पाथ ऑफ फ्री पॉजिटिव चार्ज और फ्री नेगेटिव चार्ज in an electric field is known as electric line of force। thus, इसको लाइन को अंडरलाइन करना जो भी लिखवा रही हूं। दस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स
Thus, electric line of force or electric field line or electric field lines are such imaginary. Comma, smooth curve drawn in electric field. नेक्स्ट एंड करेगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. चार पांच प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी ही है. पहली प्रॉपर्टी लिखिए, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट. On electric field lines gives the direction of resultant electric field. Resultant electric field at that point. देखिए इस टाइप से ये कोई लाइन जा रही है, ये सॉरी इसके ऊपर जब हम कोई टेंजेंट खींचेंगे तो ये डायरेक्शन शो करेगी, बिल्कुल टेंजेंट. सेकेंड, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फिनिश एट नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट स्टार लगा के लिख लो. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो आपस में एक दूसरे को क्यों काट नहीं सकती है, व्हाई दे नॉट कट टू ईच अदर. तो देखिए द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज In this situation, at that point, two tangents can be drawn according to which two direction of electric field exist. At that point, which is not possible. देखिए इस टाइप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन है, और ये हमने यहां पर इसकी डायरेक्शन बना दी. अगर ये कोई दूसरा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी. अब बताइए एक स्थान पर खड़े हुए कोई व्यक्ति दो डायरेक्शन में चल सकता है क्या? नहीं चल सकता ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. डायग्राम बना लेना, बहुत ही सुंदर बनाया मैंने, लेकिन फिर भी आप बना सकते हो. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
Next, electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. Equipotential surface and surface of a conductor. अब देखो आपको कुछ चीजों के थ्रू हम बताते हैं कि इनकी फील्ड लाइंस कैसी होती है. एज यू नो पॉजिटिव कब आता है हमारे पास. पॉजिटिव कब आता है, जब हम कोई चीज देते हैं. ये लो, इसकी फील्ड लाइंस इस टाइप से हो गई. नेगेटिव कब आता है हमारे पास, जब हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं तो इसकी फील्ड लाइंस इनसाइड हो गई. यदि इस टाइप से कोई रॉड है पॉजिटिव तो उसकी फील्ड लाइंस कैसे होगी, बिल्कुल बाहर निकलते हुए. यदि कोई नेगेटिव रॉड है उसकी फील्ड लाइंस कैसे होगी, ऐसे अंदर आते हुए. ये तो जगह जगह अलग अलग है, तो बनाओ इन चारों को. अब देखो यदि पॉजिटिव और नेगेटिव इस टाइप से रखा हुआ है तो फील्ड लाइंस ऐसे आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव. देखो ध्यान रहे, डायरेक्शन बिल्कुल सही देनी है, क्योंकि कई बार हम खुद भी गड़बड़ हो जाती है, हमसे बोलते हैं हम कुछ और है और बन कुछ और जाता है. देखो सारी बाहर निकल रही है, इधर सारी अंदर आएंगी, ठीक है ना. कभी कभी गलती हो जाती है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर गलती नहीं होगी. यदि दो पॉजिटिव चार्ज से रखे हो, पॉजिटिव का काम क्या है, देना, तो ये इस टाइप से देगा. और ये सेम सेम में क्या होंगी, रिपेयर करेंगे एक दूसरे को, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक नल पॉइंट. इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं. बनाइए, यदि दो नेगेटिव आपको दे रखे हैं, नेगेटिव का काम क्या है, लेना. ठीक है, इसमें भी नल पॉइंट यही बनेगा. ध्यान रही, इस टाइप से बनने चाहिए, ये मिलने नहीं चाहिए. ओके, ये हुआ. अब देखो यदि फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे है पैरेलल एक दूसरे के, और यहाँ एक पी पॉइंट है, यहाँ क्यू पॉइंट है, तो दोनों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिल्कुल कैसा होगा, सेम.
वही यदि इस टाइप से बन रहा है, एक पी पॉइंट यहाँ और एक क्यू पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ज्यादा होगा बजाय क्यू पॉइंट के, क्योंकि पी वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत पास पास स्थित है, जबकि क्यू में क्या है बहुत दूर दूर सिचुएटेड है, तो क्या होगा पी वाले का ज्यादा होगा और क्यू का कम होगा कंपेरिजन में। ये दोनों भी बना लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। जैसा कि इसका नाम कह रहा है डायपोल, डाय का मतलब टू, पोल का मतलब ध्रुव, जिसके टू पोल हो। तो देखिए इसमें टू पोल कैसे होते हैं, एक होता है नेगेटिव क्यू और एक होता है पॉजिटिव क्यू। दो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन के चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं। 2d हम इसको क्यों बोलते हैं, जिससे इस वाले पार्ट को d हम दे सकें, इस वाले पार्ट को भी हम d दे सकें। यदि आप इसकी डिस्टेंस d रखोगे तो इस वाले पार्ट को d by 2 और इस वाले पार्ट को भी d by 2 देना होगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होते हैं कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन के चार्जेस एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, तो इस सिचुएशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो मैं इसको लिखवा देती हूँ, आपको लिखिए द इलेक्ट्रिक डायपोल हेडिंग डाल के, द पेयर ऑफ टू चार्जेस, द पेयर ऑफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। डायग्राम बना लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अभी क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम पी से डिफाइन करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कोई भी एक चार्ज ले लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पहले मैं लिखा देती हूँ, फिर एक मिनट का आपको रेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो लिखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम फॉर्मूला उतार लीजिए। और जो इसकी डायमेंशन है वो है M0L1T1A1। एक मिनट का रेस्ट दे रहे हैं आपको।
लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 1.18, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1.18? द डिस्टेंस बिटवीन एन ए प्लस सी एल माइनस, इस डिस्टेंस दे रखी है आपकी, ये 2D होती है डिस्टेंस, है ना, 1.28 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट, टी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2D। अगर कहीं पर सिर्फ डी भी लिख रहा हो तो कंफ्यूज मत होना, इसकी डिस्टेंस डी भी ले सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ऐसा मत करना कि इसको 2 को आधा करके और आप फिर वर्क में ले लो, या तो डी ले लो। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमको यहाँ पर लिखना है, चाहे उसे 2D मानो चाहे D मानो। Q कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 90, 2D ये कितना दे रखा है 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। सॉल्व कर लेना, हेडिंग डालनी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट लिखिए, सॉरी पहले लिखिए, देयर आर टू केसेस जो इस कंडीशन में डायपोल के थ्रू है, हम दो चीजों से डेरिवेशन निकाल सकते हैं, पहला एक्सेल पॉइंट के लिए, दूसरा है इक्विपोटेंशियल, सॉरी हाँ ठीक है, इक्विलेटरल सरफेस के लिए, समझ में आ गई, एक्सेल और इक्विलेटरल, ठीक है। तो पहला लिखिए ऑन एक्सेल पॉइंट, ऑन एक्सेल पॉइंट, और सेकेंड लिखिए ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ये है माइनस क्यू ए पॉइंट, ये है प्लस क्यू पॉइंट। एक्सियल लाइन का मतलब होता है इस टाइप से, यहां कोई पी पॉइंट सिचुएटेड है, ये है ओ, मैं डिस्टेंस कितनी मानती हूं 2D, तो ये कितनी रह गई डी, और ये भी कितनी रह गई डी। सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी सिचुएटेड है, इसके ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, और ये दे रखा है डाइपोल। अब देखो माइनस का काम क्या होता है, लेना, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा E1, ठीक है। प्लस का काम होता है देना, तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा E2, इधर की ओर। प्लस का काम देना होता है, इधर लगेगा, माइनस का काम लेना होता है, इधर लगेगा, ठीक है। तो यहां लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझा रही हूं अभी सिर्फ, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट की वजह से E1 इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस ए पी का स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर लग रही है, अंदर की ओर, पी टू ए। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी पॉइंट। ई टू वेक्टर क्या होगा, के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर, डायरेक्शन बी टू पी इधर की ओर जा रही है। ओके तो पहले मैं इसको लिखवा देती हूँ, हेडिंग तो आप लिख ही चुके हो, तो लिखिए सपोज देयर इज अ डायपोल ए बी, सपोज देयर इज अ डायपोल ए बी लेट अस कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, नहीं नहीं लिखना है, एक सेकंड रुको लैंग्वेज बनाते हैं। ए पॉइंट पी इज सिचुएटेड एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एट एक्सियल लाइन एट विच वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये पूरा उतार लो जितना मैंने करवाया है अभी तक। नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए, बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या था, ई इज इक्वल टू ई वन प्लस E2, ठीक है। डायरेक्शन तो माइनस प्लस लेनी ही है हमको, या तो डायरेक्शन की वजह से ले लो या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो, E1 प्लस E2 ले लो। ओके और डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हम माइनस कर देंगे, यहां कर दो माइनस, E1 में से E2 को घटा दो या E2 में से E1 घटा दो, बताओ क्या करना चाहते हो। मैं आपको यदि किसी तरीका बताऊं तो आप इसको मॉडुलस को रहने ही दो, E1 प्लस E2 रहने दो, ठीक है। वैल्यू पुट करो, देखो E1 कितना है, माइनस के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर, अपने आप आ जाएगा माइनस, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ए पी कितनी है, ए पी ये तो पूरी 2D है, ये पूरी R है, R में D को ऐड कर दो, ए पी ये इतनी सी आर डी है और ये पूरी आर है, आर प्लस डी, बीपी इतनी सी निकालनी है, इतनी बड़ी में से ये माइनस कर दो, मतलब आर में से डी माइनस कर दो। एक दो बार करोगे ना डेरिवेशन आपको आदत पड़ जाएगी। इजी पर टू देखो क्या हुआ, के क्यू अपॉन इस वाली टर्म को पहले लिख दो, बीपी आर माइनस डी का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी का स्क्वायर, के क्यू को ले लो बाहर, एलसीएम क्या आया, आर माइनस डी का स्क्वायर आर प्लस डी का स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, सॉल्व करना तो आता है ना मैथमेटिकल इक्वेशंस को। देखिए अब इधर डार्क लिखते हैं थोड़ा, खोलिए इसको, आर स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर प्लस टू आर डी माइनस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस टू आर डी अपॉन, इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको और खोलते हैं, के क्यू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आर डी माइनस आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस टू आर डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। आर स्क्वायर डी स्क्वायर से ये कट गया, के क्यू अपॉन फोर आर डी अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या उतार लीजिए, पॉज करके उतार लो क्योंकि मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकती, कुछ सेकंड्स का समय मैं दूंगी, उतारने की कोशिश कर लो या इसको पॉज कर लो। देखो यहां से आर स्क्वायर बाहर निकालते हैं, के क्यू फोर आर डी इसको फ्रीज बना लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, चार को दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, टू एंड टू में, एक टू बाहर लिया एक टू इसके साथ और आर को हमने बाहर ऐसे तोड़ लिया। इसमें से आर स्क्वायर को बाहर निकालो तो आर की पावर चार बाहर आएगा, वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। आर से ये कट गया तीन बार और हम जानते हैं जो डी है वो बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, हम करते हैं ना डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस, तो जो डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है इसको लगभग जीरो के बराबर मानेंगे। टू के और पी इज इक्वल टू क्या होता है, टू इंटू टू डी, तो यहां पर रख देंगे क्या बचा 2kp अपॉन आर क्यूब, ये बचा, ये तो सब जीरो हो गया। वेक्टर फॉर्म क्या हुई इसकी, बस ये नीचे लिखते ना एक्सिस या एक्सियल लाइन, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन एग्जाम में आता है, या तो एक्सेल लाइन का आता है या इक्वेटोरियल लाइन का आता है या फिर एक आर थीटा वाला और है वो आता है, इन तीनों में से एक आता ही आता है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, थैंक यू।